दोस्तों, तो आज हम आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और ये मैं आपको थोड़ा अलग नए तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है कि ये नया तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। तो बच्चों, मेरा नाम है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी और मेरा जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक एक गाँव में हुआ था और मेरे पिता का नाम श्री अनुवेल द्विवेदी था, जो कि एक ज्योतिषी थे और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे। मेरे पिता को ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा का उत्तराधिकारी भी प्राप्त हुई और ये काशी जाकर संस्कृत और साहित्य के ज्योतिष का उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त किए और मैं यानी कि हजारे प्रसाद द्विवेदी विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में 11 वर्ष तक भवन निदेशक रूप में मैं काम करता रहा वहाँ पर और मेरी वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। और सन 1949 ईस्वी में लखनऊ के विश्वविद्यालय से मैंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने मुझे पद्म भूषण की उपाधि से मुझे सम्मानित किया और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर काम भी किया और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहा मैं और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहा। और फिर 19 मई 1979 को मेरा मृत्यु हो गया, मैं स्वर्गलोक को सिधार गया। और अब मेरा साहित्यिक योगदान भी सुन लो। मैं यानी हजारे प्रसाद द्विवेदी साहित्य का बहुत अच्छा निबंधकार, इतिहासकार, लेखककार और आलोचक भी था, आलोचक और उपन्यासकार भी था। इसके अतिरिक्त मैं एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी था। मैं भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान भी था और मुझे साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मान भी मिला। और अब मेरी रचनाएं क्या हैं वो जान लेते हैं। मैं यानी आचार्य द्विवेदी अनेक विधाओं, रचनाओं और उत्तम साहित्य की रचना की। मेरी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह हैं, जैसे निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। और अब आलोचना साहित्य में क्या था, सूरदास, कालिदास के ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। और अब मैंने उपन्यास में क्या लिखा था, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोता। साहित्य में स्थान, मैं यानी आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य का बहुत ही प्रतिभाशाली रचनाकार था। मैंने साहित्य के इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की थी। मैं बहुत अच्छा विद्वान था, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक था। मैंने विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना करके निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया होगा। तो बस यही थी मेरी जीवन की कहानी। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ। धन्यवाद।